नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना पूरा करेंगे। पूरे भारत में साफ सफाई पर ध्यान रखा जाएगा। साफ सफाई के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन सच मायने में जमीनी हकीकत क्या है, ये आप इस खास रिपोर्ट में खुद ही देख लीजिए। आज हम आपको महोबा के मझलवारा विकासखंड का बरही प्राथमिक विद्यालय से लेकर गांव की नालियों और सड़कों तक का हाल दिखाते हैं। विकास के नाम पर इस गांव में क्या काम हुए, ये भी आप आंखें खोलकर खुद ही देख लीजिए। गांव की नालियों का जरा ये हाल देखिए, जगह जगह कीचड़ का अंबार। देखने से ही लगता है कि जैसे यहाँ सालों से सफाई का काम ही ना हुआ हो। इस गांव का हाल देखने से ही लगता है कि कैसे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ सालों महीनों से सफाई न होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि प्रधान से शिकायत के बाद भी यहाँ कोई सफाई नहीं होती, सफाई कर्मचारी अपनी मनमानी करता है। वहीं मझलवारा विकास खंड कबरही प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि घर घर शौचालय बनने के बाद भी ग्रामीण शिक्षा के मंदिर के सामने ही शौच करते हैं, जो बीमारियों का कारक बनता है और उन बच्चों को भी गंदगी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि स्कूल में सफाई कर्मचारी की तैनाती भी है, लेकिन ये हाल जस का तस बना रहता है। वही सफाई अभियान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले शासन प्रशासन की अगर बात की जाए तो शायद उनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। आपका क्या नाम है और किस गांव के हैं आप? मूलचंद नाम है जी। मझलवारा गांव जी। मूलचंद जी, ये जो नालियों में गंदगी पड़ी हुई है जगह जगहों पे, ये कब से साफ नहीं हुई है? एक हफ्ते से साफ नहीं हुई जी। सफाई कर्मचारी नहीं आता क्या यहाँ पर जी? इसके विषय में आपने एक आध बार दो प्रधान जी से कोई बात की इसके विषय में आपने? प्रधान जी से कई बार बात की, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। ये बेटा जो गंदगी स्कूल के पास पड़ी हुई है, ये इससे तुम लोगों की क्या दिक्कत होती है जो खेलते कूदते हो आप लोग? बीमारी पड़ती है और गंदगी भी होती है डालते जी, जो बाहर कचरा भी फैलाती है महिला। शौचालय घर में बनी है और फिर भी यहाँ पे शौचालय करती है। महोबा से KKT न्यूज़ संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए KKT न्यूज़।